दोस्तों बाहुबली प्रभास एक बार फिर से लौट कर आने वाले हैं और 23 अक्टूबर 2024 है बाहुबली प्रभास का बर्थडे और बताया जा रहा है कि सलार मूवी दोबारा से रिलीज हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इस बार सलार का माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है। जूनियर NTR भी इस मूवी को देखने पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि इस मूवी को लेकर जो एक्साइटमेंट लेवल है वो कहीं गुना अब फिर से जिंदा हो रहा है। भाई होना भी चाहिए क्योंकि वर्धरा को देवरा किस तरीके से खानसार की दुनिया सौंपता है, किस तरीके से अपनी जो सील है वो खानसार के पेटियों के ऊपर लगाई गई, किस तरीके से खानसार देवराजा को मिला, ये तमाम चीजें हमारे दिमाग में घूम रही है। जब तक सलार का दूसरा पार्ट नहीं आ जाता तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। लेकिन भैया सलार मूवी को अगर देखना है तो अभी आपके पास राइट टाइम है क्योंकि 23 अक्टूबर 2024 प्रभास भाई का बर्थडे है और इस बर्थडे को ग्रांड लेवल के ऊपर सेलिब्रेट किया जा रहा है। हैदराबाद के अंदर इस मूवी को री रिलीज किया गया है। कहा जा रहा है कि लखनऊ के अंदर भी इस मूवी के बहुत ज्यादा शोज बिक चुके हैं। बुक माय शो के ऊपर भी सलार दोबारा से ट्रेंड कर रही है और ट्विटर के ऊपर भी भैया भौचाल आ चुका है, हर कहीं प्रभास ही प्रभास नजर आ रहा है। तो क्यों ना इस बहती गंगा में हम भी अपना हाथ धो लें और इस मूवी को दोबारा से थिएटर्स में एंजॉय करें। फिलहाल इस मूवी को लेकर आपका रिएक्शन कितना है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट लाजमी करना। और अगर आप बाहुबली प्रभास के डाई हार्ड फैन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हाँ हैप्पी बर्थडे प्रभास अन्ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।